गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन। बट रिलेशन एंड फंक्शन से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ कार्टिजन प्रोडक्ट। क्या है कार्टिजन प्रोडक्ट? क्या है कार्टिजन प्रोडक्ट से ही सारा कुछ शुरू होना है। रिलेशन एंड फंक्शन तभी समझ आएगा कि कार्टिजन प्रोडक्ट आती है। और रिलेशन एंड फंक्शन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द क्लास प्लस वन, बिकॉज ऑन द रिलेशन एंड फंक्शन बेस्ड सो मेनी चैप्टर आर देयर इन द क्लास ऑफ प्लस टू। तो फॉर दैट वी हैव टू मेक अंडरस्टैंड नाइसली दिस चैप्टर। सो वी विल स्टार्ट कार्टिजियन प्रोडक्ट। कार्टिजियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई पी एक सेट है। पी में क्या आ रहा है? 1, 2, 3 ये है। और क्यू एक यहाँ पे एक और सेट है। सपोज हियर इट इज ए एंड बी सेट है। ये पी सेट है, ये क्यू है। कार्टिजियन प्रोडक्ट होती क्या है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है। इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? मान लो इसका मतलब ये है। इसको सबसे पहले तो लिखने का तरीका क्या है? पी क्रॉस क्यू ऐसे लिखते हैं। अब इसमें देखो, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। अब जो इसके एलिमेंट आएंगे उनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। है वो क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो इनके मेंबर्स को क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्स सेट को। जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जो क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। कार्टिजियन प्रोडक्ट ही होती है ना, कार्टिजियन प्रोडक्ट। उसके जो मेंबर्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स, सबसे पहली बात। और इसको ऐसे लिखते हैं पी क्रॉस क्यू। अब इसमें क्या होता है? इसका पहले एलिमेंट ले लिया हमने 1, है ना। क्या ले लिया? 1। 1 किसके साथ? ए के साथ। पहले पी है तो पहले पी के लेंगे। पहले क्या है? पी है तो पी के लेंगे 1। अब इस 1 को सबके साथ लिखना है हमने। 1A, देन 1, 1B, 1B, ठीक है, हो गया खत्म। उसके बाद फिर 2A, A, फिर 2B, फिर 2A हो गया, 2B हो गया ना, आगे है ही नहीं है, 2 वाला भी खत्म हो गया। उसके बाद फिर 3A, 3B, है ना, ये हो गया। ये इसके क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या है? इसके ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। इसके बीच में आप कॉमा जोड़ लिख देना, कॉमा 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 एंड कॉमा, है ना, इसके बीच में कॉमा भी आएगा। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। और ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसका एलिमेंट इसका 1 है। ये 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B ये सारे आएंगे, है ना। अब इसको कहते हैं कार्टिजियन प्रोडक्ट। ये मैंने क्या किया? कार्टिजियन प्रोडक्ट, है ना। अब इसको लिखने का एक और तरीका है। देखो, पी क्रॉस क्यू है ना इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया एक्स और वाई। क्या लिख दिया? एक्स वाई, है ना। अब ये क्या है? एक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा होगा? जो पहला एलिमेंट है, मान लो एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पहला एलिमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? पहले वाले सेट को। एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू, जो यहां पे नाम लिखे होंगे जिसकी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, वाई बिलोंग्स टू क्यू, ये है ना। एक्स बिलोंग्स टू पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू। ये देखो, अगर मैं इसका आपको एक सेट दे दूं यहाँ पे 1 और 2, है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर दे दिया मैंने एक आपको, ये क्या दे दिया? ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका मतलब ये है कि ये 1 किसको बिलोंग कर रहा होगा? अगर मैंने ये कहा कि 1B इट बिलोंग्स टू पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू का ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपने ये समझना है कि ये जो पहला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है? पहले वाले सेट को। किसको बिलोंग कर रहा है? पहले वाले सेट को। और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है? सेकेंड वाले सेट को। तो इसीलिए लिखते हैं ना, देखो 1A, 1B, 2A, 2B। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि ये पी के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो इसके सारे पहले पहले एलिमेंट उठा लो। ये देखो 1 है, ये 1 है, तो इसका मतलब 1 वहां पे होगा। एक बार लिखना है, 2 है तो 2 भी होगा, 3 है तो 3 भी होगा। तो बाकी सारे जो पिछले हैं A, B, A, B, A, B, तो AB दूसरे सेट में होगा। तो ये था हमारा कार्टिजियन प्रोडक्ट, है ना। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, क्या लिख दिया इसकी डेफिनेशन? सिंपल ऐसे लिखते हैं, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, कार्टिजियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स है, ऑर्डर्ड पेयर्स इसको बोलते हैं, फ्रॉम पी एंड क्यू। तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। तो ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स। उसके बाद
इस ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में? अगर इसमें मान लो कितने एलिमेंट्स है, थ्री, इसमें कितने हैं टू, तो पी क्रॉस क्यू में क्या आते हैं, थ्री टू जा सिक्स, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका मतलब ये है कि इफ पी हैज एम एलिमेंट्स एंड क्यू हैज एन एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, ऑर्डर्ड पेयर्स कहना आपने, है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एम क्रॉस एम इंटू एन, एम इंटू एन का मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसमें तीन थे इसमें दो थे, तो थ्री टू जा क्या हो गया सिक्स, है ना। अब कोई ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कैसे होता है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कैसे होता है, मान लो मैं ये कहूंगी ये क्या, ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, ये तभी इक्वल होगा अगर वन ए, देखो वन ए वन बी, दिस कैन बी इक्वल इफ इट्स एक्स एलिमेंट, ये पहले वाला पहले के इक्वल हो और दूसरा दूसरे के इक्वल हो, है ना, पहले वाला के इक्वल हो, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल हो, देन वी कैन से दैट कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, है ना। ये था इसका सिंपल सा जस्टिफिकेशन इसके, तो और इसमें कोई खास नहीं है, आगे हम एग्जांपल्स हैं और देन वी विल स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज, है ना। इसमें पी क्रॉस क्यू भी आ जाता है, इसमें पी क्रॉस पी भी आ जाएगा, पी ट्रिपल प्रोडक्ट भी करेंगे हम इसमें, ट्रिपल का मतलब यह है पी क्रॉस पी भी हो सकता है, क्रॉस पी भी हो सकता है ना, ये हम सब में करेंगे कि ये कैसे करेंगे पी क्रॉस तीन कार्टेशियन प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज। नाउ विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा, इफ एक्स अपॉन थ्री प्लस वन कॉमा y माइनस टू अपॉन थ्री, दिस इज इक्वल टू दिस 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड x एंड y। अब ये देखो, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर था, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, मैंने बोला था कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये एलिमेंट x वाला x के इक्वल होगा और y वाला y के इक्वल होगा ना। तो पहले को हम x लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, तो वैसे भी ये दोनों इक्वल कब होंगे, मैंने जब ये इसके इक्वल होएगा और ये इसके इक्वल होएगा। अब ये इक्वल है तो इट मींस एक्स अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू 5/3 एंड वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से हम निकाल लेंगे एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू, ये थ्री हो जाएगा यहाँ पे 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। तो हमें x और y ही निकालना था, तो ये x और y की वैल्यू आ गई है ना। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, इफ द सेट a हैज 3 एलिमेंट्स, a में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है ना, एंड द सेट b हैज b में क्या है 3 4 5 है ना, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। हमने देखो a में 3 एलिमेंट्स है, मैंने बोला था ना अगर इसमें a में m है इसमें n है तो उसमें कितने हो जाएंगे m क्रॉस n, इसमें इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे बेटा कितने 3 और यहाँ पे भी कितने 1 2 3 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 9 एलिमेंट्स है ना, तो ये कितने हो गए 9 एलिमेंट्स। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन यहीं पे कर रहा हूं मैं, जी इज इक्वल टू 7 8 7 8 एंड एच इज इक्वल टू, दो सेट हैं जी एंड एच 5 4 एंड 2, फाइंड जी क्रॉस एच कहा है, जी क्रॉस एच, तो जी क्रॉस एच हमने निकाला, तो ये क्या लिखोगे बेटा, पहले देखो इसका 7 था लो, उन सबके साथ लिखो 7 5 7 4 7 2 है ना, 7 सबके साथ लिख दिया, फिर 8 लिखो 8 5 कॉमा जरूर डाला इसमें ना, कॉमा 8 5 8 4 फिर 8 2, जी हो गया ना, ये हो गए हमारे पास, तो कितने आने चाहिए 2 और 3 6 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है हमने,
एच क्रॉस जी। अब देखो पहले एच का आया तो पहले एच के लिख दो आप, फर्स्ट यू राइट एच। एच के क्या आएगा, पहले फाइव आएगा, देखो फाइव फाइव किसके साथ क्या है, सेवन फाइव सेवन फाइव एट, फिर ऐसी फोर फोर सेवन और फोर एट, और साथ में क्या लिखोगे अब टू सेवन टू सेवन टू एट, है ना। अब ये देखा आपने इस केस में यहां पे G क्रॉस H और H क्रॉस G क्या इक्वल है, नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। G क्रॉस H इज इक्वल टू H क्रॉस G, नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये देखो ना इसमें सेवन फाइव है, इसमें फाइव सेवन है, तो ये इक्वल कैसे, ये हो ही नहीं सकती इक्वल, क्योंकि ये सेवन फाइव है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे ना अगर ये सेवन हो, यहाँ पे भी क्या हो सेवन, और इसमें कहीं पर भी पहले भी सेवन है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो ये थे हमारे थ्री क्वेश्चन, नाउ विल डू फोर्थ क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स विल डू इज फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स वी राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। सो फर्स्ट इफ पी, पी क्या है, पी इज अ सेट हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स, है ना, ये है, एंड क्यू, क्यू के क्या है एन एन एलिमेंट्स, देन पी क्रॉस क्यू ही सेइंग दैट कि पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एम एन एंड एन एम, ये एलिमेंट्स है, ये कह रहा है इसमें, है ना। तो इज इट ट्रू और फॉल्स, पी क्रॉस क्यू, पहली बात तो ये देखो ना, इसमें दो एलिमेंट्स, दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, वन टू, हमने ये कहा हुआ है कि अगर इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, तो P क्रॉस Q में अगर इसमें M है इसमें N है, तो M इन टू एन होता है, तो टू एंड टू, तो क्या होने चाहिए थे, फोर एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी देयर, फोर एलिमेंट्स, फोर ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए थे, यहां पे कितने दिख रहे हैं टू, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। और अब कौन कौन से होंगे पी क्रॉस क्यू में, कौन कौन से होंगे बेटा, फर्स्ट एम एन एम एन, देन एम एम, देन एन एन एन, देन एन एम, ये होने चाहिए थे ना, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, दिस इज व्हाट फॉल्स। अब सेकंड देखो इसका सेकंड पार्ट, इफ ए एंड बी आर टू आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, देखो ए एक सेट है कोई नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कुछ ना कुछ है ना, बी इसमें भी कुछ ना कुछ है, नॉन एम्प्टी नहीं है, मतलब चाहे एक है चाहे दो एलिमेंट्स है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, बिल्कुल ठीक है, एक्स सेट ऑफ ऐसे लिखते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये, और अगर यहाँ पे पी होता पी या क्यू, तो यहाँ पे क्या होता, एक्स बिलोंग्स टू पी आना था, एक्स बिलोंग्स टू क्या आना था, वाई बिलोंग्स टू क्यू आता, है ना, ये था, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसे ही होता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, पहले सेट को, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को, है ना। तो ये था सेकंड, अब थर्ड समझते हैं, व्हाट इज थर्ड, इफ ए ए इज इक्वल टू व्हाट वन टू, ए इज इक्वल टू वन टू, बी इज इक्वल टू थ्री एंड फोर, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, ये कह रहा है ना। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं है, बी में ये है बी इंटरसेक्शन फाइव, पहले तो ये देखो हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन फाइव, अब किसी की भी इंटरसेक्शन, ठीक है, बी में कुछ एलिमेंट्स है, फाइव में है ही नहीं है कुछ, तो उसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, हमेशा फाइव आती है ना, ये रूल ऑफ फाइव हमने पढ़ा है ना उसमें सेट में, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप दोबारा वो वीडियोस देखो पहले चैप्टर वाले, बी इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू क्या होता है, फाइव होता है ना, किसी के साथ भी फाइव की इंटरसेक्शन फाइव ही आती है ना, फाइव में कोई, फाइव का मतलब क्या है, नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट, तो ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया, ए क्रॉस इसकी जगह पे क्या आ गया, फाइव आ गया, तो अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, जब यार ए है, ए में एलिमेंट है, इसमें है ही नहीं कोई एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका क्या आएगा, फाइव तो आएगा, खाली रह जाएगा वो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये था इसका मतलब, ये भी क्या हो गया, ट्रू, है ना, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, हमने ए इज गिवन दिस माइनस वन एंड वन, फाइंड ए क्रॉस ए, इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, है ना।
तो ये a क्रॉस a में होता है ना, a क्रॉस a है ना, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि a b c जो x y z है वो बिलोंग्स टू क्या करेंगे, इसमें a ही करेंगे। अब सीधा तो हम करेंगे नहीं, पहले मैं आपको a क्रॉस a निकालूंगा, मैं यहां पे क्या निकालूंगा a क्रॉस a है ना, a भी ये है और दूसरे देखो दोनों ही a सेट भी ये है और b सेट भी ये है ना, a सेट भी ये है b सेट भी ये है। मान लो मैंने यहां पे ये लिख लिया एक और बार a माइनस वन वन ये लिख लिया। अब देखो बिल्कुल वैसे इसको जैसे ए बी करते थे वैसे ही करेंगे हम बिल्कुल। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, माइनस वन है ना, ये हो गया। अब माइनस वन वन ये हो गया, फिर ये वन उठाया मैंने वन माइनस वन, फिर ये वन इस वन के साथ तो वन वन है ना, ये हो गया। ये क्या हो गया, ए क्रॉस ए ये हो गया हमारे पास है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। अब ये सारा एक सेट मान लो, ये सारा क्या मान लो, एक सेट है ये। अब इसको किसके साथ करना है, ए क्रॉस ए के, इसको पूरे को एक मान लिया मैंने और इसको इसके साथ करना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे बेटा हम। इस सबको क्या मान लो, एक सेट मान लो है ना, लेकिन इसके अब देखो ऑर्डर्ड पेयर ये दो एलिमेंट है ना, ये याद रखना कि ये डबल है, पहले सिंगल था इसमें, अब इसमें क्या है डबल है ना। तो अब क्या करोगे देखो, पहले भाई अब ऐसे माइनस वन इनके साथ लिख दो, माइनस वन ये वाला लिख रहा हूं मैं माइनस वन, अब ये लिखूंगा माइनस वन ये ट्रिपल हो जाते हैं, इसलिए से ट्रिपल ऑर्डर पेयर कहते हैं ना, ये हो गया। फिर माइनस वन ये वाला माइनस वन इसके साथ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन और वन, पहले ये लिख रहा हूं मैं माइनस वन है ना, फिर ये माइनस वन इसके साथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन डाल दो, माइनस वन वन माइनस वन इसके साथ लिखा ना मैंने, अब ये माइनस वन इसके साथ लिखूंगा ऐसी माइनस वन 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 है ना, ये हो गया। फिर कॉमा ये कंटिन्यू चल रहा है आगे, अब इस वन को लिखो इसके साथ वन माइनस वन इसके साथ ना, फिर इसको इसके साथ लिखो, ये देखो वन माइनस वन वन है ना, ये हो गया इसके, फिर इसको इसके साथ लिख दो वन 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 माइनस वन, फिर इसको इसके साथ लिखो है ना, ये क्या हो जाएगा वन वन वन, ये हो गया ये हमारा ए क्रॉस है ना। तो ये था यहाँ पे हमारे पास ये आंसर, ये हमारा इसका आंसर हो गया इस तरह। नाउ विल डू सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ सिक्स्थ देखो बेटा, ध्यान से देखो सिक्स्थ क्वेश्चन यहीं पे। If A क्रॉस B, यहां पे ये दे रखा है A क्रॉस B इज इक्वल टू A X A Y B X B Y एंड फाइंड A एंड B, मतलब हमें सेट पता करने हैं, ये A क्रॉस B दे दिया हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। अब जैसे अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है तो ये बहुत आसान है, ये देखो ए, ये जो पहला एलिमेंट रहा होगा ये किसका, ए क्रॉस बी है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, ए को। सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, बी को। यहां पे मैंने बी लिख दिया और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ए। अब ये ए है तो ए यहां पर आ गया, ठीक है, एक्स है तो एक्स यहां पर आ गया। अब ये फिर ए, ये है ना, ए तो मैं लिख चुका हूं किसी भी सेट में, मैंने पहले सेट की थ्योरी में बताया हुआ है कि वी कैन नॉट राइट अगेन, एक सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, अगर आप दोबारा लिख भी दोगे तो वो वही सेट माना जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया ए, मैं लिख चुका हूं वाई, तो यहाँ पे क्या हो गया वाई है ना, फिर ये भी खत्म हो गया। अब ये बी, बी किसको बिलोंग करेगा, ए को, यहाँ पे बी। फिर एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स किसमें आ गया, इसमें आ ही चुका है ना, आ गया। फिर बी इसमें आ चुका है, वाई आ चुका है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अब अगर देखो इसकी प्रोडक्ट करोगे आप, तो ए एक्स आएगा पहले, फिर ए वाई आएगा, फिर बी एक्स आएगा, फिर बी वाई आएगा। तो ये था हमारे पास फाइंड ए एंड बी, दिस वाज द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस, यू हैव टू वेरीफाई दिस, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये इक्वल आता है कि नहीं आता। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने इसकी,
लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है ए, पहले मैं इसका क्या निकालूंगा बी इंटरसेक्शन सी, पहले मैं क्या निकाल रहा हूं बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि मुझे बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, उसकी प्रोडक्ट करनी है किसके साथ ए के साथ। सो बी और सी के इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगी, बी और इंटरसेक्शन की इसकी सी की, है ना, बी इंटरसेक्शन सी, ये देखिए मैंने कोई गलत नहीं लिखा, बी इंटरसेक्शन सी, बी में 1 2 3 4 है, 5 6 है, 5 6 है ना, तो वेरीफाई करना हमने कि ये इक्वल आता है या नहीं आता, 1 2 3 4 5 6, तो बी इंटरसेक्शन सी का तो कोई, बी इंटरसेक्शन की सी क्या आ गया, फाइव आ गया बेटा, ये तो बी इंटरसेक्शन सी क्या रहा है, फाइव आ रहा है ना, तो के इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ गया, फाइव आ गया। अब ए क्रॉस यहां पे इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, फाइव, अब ए क्रॉस फाइव, पहले की तरह जब ट्रू फॉल्स किया था हमने, ए क्रॉस फाइव, ए क्रॉस फाइव, जब फाइव का मतलब है कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगी, फाइव रह जाएगी। अब ये देखो ए क्रॉस बी करूंगा मैं, पहले ए क्रॉस बी, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है, इसकी तो फाइव आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी है ना, इसमें क्या लिखेंगे बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, वन वन क्या आ गया, वन वन है ना, वन टू, वन थ्री, वन फोर, ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी है ना, पहले वन आया, अब टू, टू वन, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, ये आ गया जी हमारे पास, दिस इज द ए क्रॉस बी आ गया है ना। अब क्या करो, ए क्रॉस सी करो, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए में वन है तो वन फाइव, वन सिक्स, ठीक है, तो वन सिक्स होगी, टू, टू फाइव, टू सिक्स, ये होगा हमारे पास ए क्रॉस सी। अब ये देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, अब इनकी क्या लेनी है, इंटरसेक्शन, क्या लेनी है, इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी है ना, ए क्रॉस बी है, इसमें देखो इंटरसेक्शन वन वन, इनमें कोई कॉमन है, वन वन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, वन टू है, नहीं है, वन थ्री है इसमें, नहीं है, वन फोर है, नहीं है, टू वन इसमें है, नहीं है, टू टू नहीं है ना, टू थ्री नहीं है, टू फोर नहीं है, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या हुई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या आ गई ये भी, फाइव आ गई, तो ये भी फाइव आ रहा, ये भी फाइव आ गया, तो इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड, तो ये करेक्ट हो गया, वेरीफाई हो गया ना। अब यहां पे क्या निकालना, सेकंड पार्ट में ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ये देखना है हमने, ए क्रॉस सी तो हम निकाल चुके हैं, दिस इज ए क्रॉस सी, ये था बेटा क्या था, ए क्रॉस सी मैंने निकाल दिया, एक अब मुझे क्या निकालना है, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, अब आप ये बी क्रॉस डी यहां पे लिख देते हो, देखो बी क्रॉस डी, वन वन फाइव, वन फाइव, वन सिक्स, वन सिक्स, वन सेवन, वन एट, ये हो गया पहले वन के साथ, इसमें 16 एलिमेंट्स हमें ये लिखने पड़ेंगे ना, कितने एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, 6 एलिमेंट्स, और मैं यहीं से बता दूंगा, देखो थोड़ा सा, देखो वन फाइव इसमें आ गया, आ गया, मैंने ये लिखना है ना, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, क्या ए क्रॉस सी के, ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में है कि नहीं है, एलिमेंट्स का मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये देखो ए क्रॉस सी में ये थे, वन फाइव तो इसमें आ रहा है, आ रहा है, यस, वन सिक्स आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, उसके बाद टू फाइव एंड टू सिक्स चेक कर लिया मैंने ना, तो ये देखो ये आएंगे आएंगे, टू जब मैंने ये लिखूंगा ना, अब जो सेकंड इसकी अभी पूरी नहीं हुई है, पहले वन के साथ, अब टू, टू फाइव, टू सिक्स, टू फाइव, टू सिक्स, टू सेवन, टू एट, ऐसे मतलब सारे लिखूंगा ना अभी, थ्री के साथ भी लिखूंगा फोर के, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना था, वेरीफाई करना था, मैं ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी, तो ये देखो ए क्रॉस सी के मेरे ख्याल से सारे एलिमेंट आ रहे हैं, वन फाइव भी आ गया था, वन सिक्स भी, टू फाइव भी आ गया, टू सिक्स भी आ गया, ये पढ़े, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी, ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया,
वेरीफाई हो चुका है, दिस इज ऑल्सो राइट, है ना। ये था हमारा सेवंथ क्वेश्चन। नाउ एट्थ क्वेश्चन, विल डू एट्थ क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू, ए इज गिवन 1, 2, है ना, एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, है ना, बी 3, राइट ए क्रॉस बी। फर्स्ट यू हैव टू राइट ए क्रॉस बी, आसानी से लिख सकते हो आप ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1, 3, 1, 4, देन कॉमा 2, 3, 2, 4, ये आ गया, ये क्या हो गया ए क्रॉस बी, है ना। अब नाउ व्हाट दिस सेट, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। अब पहले तो ये बताओ कि ए क्रॉस बी के कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव ए क्रॉस बी, सबसेट्स, है ना। मैंने आपको बताया था, मान लो यहां पे ए क्या है 1, 2, ये सबसेट, इसमें एम एलिमेंट्स है, कितने हैं एम, यहां पे तो वैसे 2 दिख रहे हैं मुझे, मान लो किसी ए में क्या है एम एलिमेंट्स है, कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम, तो उसके पॉसिबल सबसेट्स क्या होते हैं 2^m, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी में किसी सेट में एम एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होते हैं 2^m, जैसे ये है ना, इसका इसका पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएगा, इसे देखो 5, सेट ऑफ ऑल, जब पावर सेट भी कह देते हैं उसे 5, 1, 2, फिर 1, 2, ये हो जाएगा, ये कितने हो गए 4 हो गए। तो अब यहाँ पे 2 थे तो 2^2 कितना हो जाएगा 4, इसमें क्या आ गया 4, बिल्कुल। अब ऐसे ही इसमें कितने हैं देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा 2^4, तो कितने हो गए 16, तो इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं बेटा 16। अब उसने क्या लिस्ट देम, लिस्ट देम का मतलब उन्हें लिखोगी। अब सबसे पहले जब हमें पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो सबसे पहले तो क्या लिखते हैं हम 5, है ना, 5 लिख दिया, उसके बाद फिर एक एक करके ये लिखोगे कौन सा 1, 3, फिर क्या लिखोगे 1, 4, फिर क्या लिखोगे 2, 3, फिर क्या लिखोगे आप, लिस्ट देने का मतलब ये 16 पूरे आपने लिख के दिखाने हैं, है ना। तो आई थिंक यू कैन राइट, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको हाउ यू विल राइट दिस। पहले तो ये हो जाएंगे एज इट इज 1, ये दिस 2, 3, देन यू विल राइट 2, 4, है ना, ये हो गए, ये पॉसिबल सबसेट्स हो गए, इसके कितने हो गए 5 हो गए। अब फिर आप ऐसे लिखोगे, देखो व्हाट यू विल राइट 1, 3, 1, 4, ये इसके साथ लिखा मैंने, इसको इसके साथ, फिर अब ये क्योंकि ये इसमें आ रहा है ना, ये देखो 1, 3, 1, 4 इसमें है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, फिर ऐसे आप क्या लिखोगे इसमें कॉमा डाल के 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3 के साथ लिख दो, है ना, ये लिख दो 2, 3 के साथ, फिर इसी को 1, 3, 2, 4 के साथ लिख दो, क्या 1, 3, 2, 4, ये लिख दिया मैंने, है ना। अब देखो अब क्या करोगे, अब ये लिख दिया मैंने, है ना, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए, सॉरी 8 हो गया ना। अब क्या लिखोगे देखो, अब एक बार मैं ये 3 लिख दूंगा ऐसे, ये भी तो एक सेट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम ये 3 लिख देंगे, है ना, ऐसे ये लिख दोगे, ठीक है, फिर 2, 3, 2, 4 लिख दिया हमने लिए, तो उसके बाद आप एक बार ये लिख दोगे, ये वाले ये दोनों दो लिख दोगे, है ना, तो ऐसे आपने कितने लिख देने हैं 16। फिर लास्ट कौन सा आएगा, लास्ट ये सेट खुद आएगा पूरे का पूरा, ये पूरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी सेट है वो अपना सबसेट होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये लिखने हैं, मतलब कॉम्बिनेशन है, अब कॉम्बिनेशन क्या है ए बी सी डी, है ना, तो आगे ये बीजे भी आएगा अगले चैप्टर परमुटेशन, तो वो उस हिसाब से मुझे याद आ रहा है 4 × 4 वो करके 16 हो जाएंगे, तो चलो कोई नहीं, वो कंसेप्ट आपको बाद में आगे आएगी। तो इस यहाँ पे हमने ये अगर लिखनी है, ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक मैंने ये बताया था, ये देखो 10, एक ये बता दिया था 11, एक ये बता दिया 12, और एक वो खुद हो गया 13, और 3 हो गए, वो 3 आपने ढूंढ लेने भी कौन कौन से लिखने हैं। तो ये था हमारे पास 8th क्वेश्चन। नाउ बेटा 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट एन ए
एन ए का मतलब ए में कितने एलिमेंट्स है, तीन है, मतलब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू टू, एंड ये ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे दे दिए हमें, ए क्रॉस बी में कुछ एलिमेंट्स उसके ये दे दिए एक्स वन वाई टू, ये ऑर्डर पेयर दे दी हमें, है ना, ये ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, ये किसमें आ रहे हैं, ए क्रॉस बी में से कुछ, देखो वैसे तो सिक्स होंगे थ्री इंटू सिक्स, लेकिन तीन हमें ये लिख दिए। अब वो कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड करना है ए एंड बी, ठीक है। अब ए देखो, देखो ना, हम जब भी ये करते हैं ए क्रॉस बी, तो हमें क्या बताया जाता है कि ये एक्स वाई है ना, पहले का हम एक्चुअली ये एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है, वाई बिलोंग्स टू क्या करता है बी, तो अब ये देखो अगर ये उसका कोई एलिमेंट है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पहला एलिमेंट कहां पे आएगा एक्स में, ये पहला भी एक्स इधर आ गया, वाई भी इधर आ गया और जेड भी इधर आ गया, एक्स वाई जेड, क्योंकि ए क्रॉस बी में, या तो पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए को करेगा, और बी में दूसरा क्या करेगा, ये वन बी में, टू बी में, और आगे वन है, वन मैं लिख चुका हूं, तो ये आगे इसमें कितने हो गए तीन, इसमें कितने हो गए दो, तो ये ए हो गया, लिखा होगा बी हो गया, है ना, तो ये था। ऐसी अब टेंथ क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, व्हाट इज टेंथ क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ए क्रॉस ए, जो ए क्रॉस ए है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नाइन है ना, नाइन एलिमेंट्स। अब देखो यहां से मुझे यह अंदाजा होता है कि ए में भी इसमें तीन, इसमें भी तीन, तो तभी तो थ्री थ्री जा नाइन आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइन हो गया ना। अब ए क्रॉस ए की है ना, ये देखो पहले, फिर उनमें से कुछ ए क्रॉस ए के ये एलिमेंट्स हमें दे दिए, ए क्रॉस ए के नाइन एलिमेंट्स में से ये दो एलिमेंट हमें बता दिए गए। अब वो कह रहा है फाइंड ए करो एंड ए क्रॉस ए के बाकी जो एलिमेंट रह गए वो फाइंड आउट करो, क्योंकि नाइन थे, नाइन में से देखो नाइन एलिमेंट है ए क्रॉस ए में, दो एलिमेंट्स हमें दे दिए, सेवन हमें फाइंड आउट करने हैं, और वो तभी फाइंड आउट हो सकते हैं अगर हमें ए का ए सेट पता लग जाए ना। तो वो ए देखो, मान लो अब ये है ए के, है ना, मान लो एक ए ये लिख दिया मैंने, एक ए ये लिख दिया, है तो ये सेम ही है दोनों, है ना, तो यहां से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लिखो ये इधर, यहां पे पहला एलिमेंट ये किसका हो गया माइनस वन, है ना, दूसरा रहा होगा किसका, इसका जीरो हो गया, मान लो दूसरे क्या है जी, फिर यहां पे पहला जीरो हो गया, है ना, पहले का क्या हो गया जीरो, दूसरा क्या हो गया वन, है ना। अब ये देखो अगर मैं ये लिखता हूं, इसमें माइनस वन एंड जीरो आ रहा है, इसमें क्या रहा है जीरो एंड वन, जीरो तो इसमें लिख ही चुका, तो ये देखो ना बेटा ध्यान से, ये एक ही है, एक जो एलिमेंट्स इसमें आएंगे वही इसमें आएंगे, है ना, ए ए है, जो एलिमेंट्स इसमें आ गए वो इसमें आएंगे। अब माइनस वन यहाँ पे आ गया, जीरो यहाँ पे आ गया, इसमें जीरो एंड वन आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं आया, वन नहीं आया इसमें, तो इसका मतलब वन भी यहाँ पे रहा होगा, और यहाँ पे क्या रहा होगा माइनस वन, तो ये एक ही सेट हो गया, ये क्या हो गया एक ही सेट हो गया ए, क्योंकि लिखा ही ए क्रॉस ए था, तो ए क्या हो गया हमारा सेट, ये बन गया माइनस वन जीरो एंड वन। तो अब इसके आप लिख दो सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस, इसको आप जैसे मर्जी लिख लो ना, एलिमेंट्स वही आने हैं, तो ये ए सेट हमारे पास पता चल गया हमें, ये है दिस इज ए सेट। अब इसके ए क्रॉस ए में लगा दो आप, ए क्रॉस ए पे कैसे करोगे आप, अब माइनस वन को पहले माइनस वन के साथ करेंगे ना, ये ए है तो ये दूसरा ए भी ऐसे लिख दिया, मान लो मैंने माइनस वन जीरो एंड वन, है ना, ये लिख दिया। अब इसके लिख दो आप माइनस वन, पहले माइनस वन ये आ जाएगा, फिर माइनस वन जीरो, फिर माइनस वन वन, ये हो गए तीन एलिमेंट्स, ठीक है। अब इकट्ठे लिखने आपने, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं जीरो माइनस वन जीरो जीरो, फिर जीरो वन, है ना, ये हो गया। अब वन माइनस वन वन जीरो, तो वन वन, ये हो गए नाइन एलिमेंट्स, ये मैंने नाइन में से ये देख लो कहां पे है, माइनस वन एंड जीरो, माइनस वन एंड जीरो, माइनस वन एंड जीरो, ये रहा एक, तो और दूसरा क्या था जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ये रहा, ये दो थे, बाकी सेवन ये हो गए। तो ये थी हमारी टेन क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1, होप आपको ये समझ आया होगा बेटा, और आफ्टर दैट वी विल डू रिलेशन एंड फंक्शंस।